हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ रूपमंत्रा के पर्ल फेसियल किट का। और हमेशा की तरह पहले मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया है, फिर मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। और इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसका प्राइस है 398 रुपीज़। इस फेसियल किट में टोटल 5 स्टेप है। इसमें आपको मिलेगा क्लिंजिंग मिल्क, स्क्रब, जेल, फेस पैक और नरिशिंग क्रीम। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। स्टेप 1 है क्लिंजिंग मिल्क। इसका इस्तेमाल चेहरे से डर्ट को बहुत ही आसानी से रिमूव करता है। इसको चेहरे पर और गर्दन पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद 5 मिनट तक जेंटली मसाज करना है, फिर चेहरे को कॉटन से पोंछ लेना है। स्टेप 2 है फेस स्क्रब। इसको फेस एंड नेक पर अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद 5 मिनट तक जेंटली सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। इसके इस्तेमाल से चेहरे से डेड सेल आसानी से रिमूव हो जाते हैं। 3रा स्टेप है मसाज जेल। इसको फेस एंड नेक पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद 10 से 15 मिनट तक मसाज करना है। आपको जेंटली सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। इसके इस्तेमाल से चेहरे पर बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। 4था स्टेप है फेस पैक। इसको अपने फेस एंड नेक पर अप्लाई कीजिए, अपने आईज एरिया को और माउथ एरिया को बचाते हुए। फिर आपको इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद चेहरे को पानी से धो लेना है। आपको कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है। मैं जब भी किसी प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करती हूँ तो मेरे पास एक कमेंट ज़रूर आते हैं कि क्या बॉयज भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। फेस पैक को रिमूव करने के बाद आपको सबसे लास्ट में अप्लाई करना है नरिशिंग क्रीम। इसको फेस एंड नेक पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद सर्कुलर मोशन में मसाज करना है और आपको तब तक मसाज करना है जब तक कि ये अच्छी तरह से पेनिट्रेट ना हो जाए। तो इस तरह से आप आसानी से घर बैठे फेसियल कर सकते हैं। अगर आप इस फेसियल किट को ख़रीदना चाहते हैं तो इसका परचेज लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। सो गाइज, ये था मेरा आज का रिव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का बटन आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू, बाय बाय।